और इसका शरीर में हड्डी हड्डी, और ये कहता है बेटी को शादी करेगा। उसने बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, बोले हमारी एक कुल का मर्यादा है, हमारी स्वयं पर संभावना है, स्वयं पर सभा में कहती ये लड़कियाँ जिसको इच्छा हम लोग चुनती हैं उसको साथ में शादी होती है, मेरे स्वयं पर सभा में आ जाओ फिर लड़कियाँ चुनेंगी, शादी कर लेना। उन्होंने घुमा दिया जो भी को, तो बड़ा निकलेट फील हुआ, बोले वो मेरे ये शैली को देख करके मेरे को पसंद नहीं। उसने इतने सुंदर रूप धारण किया, इतने सुंदर रूप धारण किया, लड़की जो 50 लड़कियां थी ना तो लड़ाई शुरू कर, कहते मैं शादी करूँगी मैं शादी करूँ, लड़ाई शुरू हैं। जब लड़ाई शुरू हो गया जोगी ने क्या किया, अपना जो बल से 50 रूप धारण किया और उन्होंने 50 कन्या को शादी किया। शादी की तो यहाँ पर प्रश्न होता है, तो उसने तो बढ़िया हुआ और उनने 50, उसने क्या किया 50 उन्होंने राजमहल बनाया और हर लड़की को राजकुमारी के साथ में अलग अलग रहते था। एक दिन माता देखने के लिए गया, भैया मेरे 50 में 50 पड़ी लेकर चला गया, इतने सुंदर से सुंदर के ये करता है क्या, एक बार देख के क्या। जब बड़ी बेटी को पास में गया ना, बड़ी बेटी कहती है बोले 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 बाबा मेरे को छोड़ कर कहीं नहीं जाता है, दिन भर मेरे पास रहता है, मेरे बड़े प्रेम देता है। मांधा का ना देखा उसकी घर में जो ऐश्वर्य किया उसकी घर में उससे कई गुण राज ऐश्वर्य उसको घर में। बोले हे भगवान क्या राज ऐश्वर्य, इतने वो मैं देश का राजा होकर मेरे घर में जो चीज़ नहीं, इसके घर में ये भोग की वस्तु है, एक से एक है। सब लड़कियां कह रही है मेरे को छोड़ कर कहीं जाता है, मेरे बड़ा प्रेम करता है, बड़ा प्रेम करता है। तो यहाँ पर कहते हैं भैया वैष्णव अपराध हुआ तो अच्छा ही हुआ, 50 बेटी शादी हुई राजकुमार से, अच्छा हुआ ना, और बड़े सुंदर राजमहल बनाया और 50 कन्या के साथ में आराम से रह रहा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बोलो उसको कोई बोलेगा ना, अच्छा तो हुआ 50 राजकन्या मिल गई, बुरा ही क्या हुआ 50 आज के लिए आप लिए। तब यहाँ पर टीकाकार कहते बोले नहीं, कहते कहाँ भगवत प्रेम है, कहते हैं कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। कृष्ण प्रेम रूपी आनंद में जो समुद्र उसमें जो रस है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद में करके भी उसकी एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। इतने आनंद प्रभु की प्रेम में कहाँ उसको ब्रह्मानंद, कहाँ प्रेमानंद आस्वादन करनी चाहिए उसको, कहाँ उसने घर गृहस्थी माया में चक्कर में फंस गए हैं। अब संसार में जो इंद्रिय तृप्ति है ना वो लिमिटेड है, जैसे खुजली होता है ना, खुजला नगर तो अच्छी लगती है लेकिन जब खून निकलती है फिर तो दुख कष्ट होता है। इसलिए जो संसार की जो सुख है थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए मरने का पहला कभी भी वो दुख कष्ट उसमें मरने का पहला कभी भी संसार में ये थी कल संसार में ये थी कल उसको बेटी को ये देना उसके साथ में बनता नहीं सारा दुनिया की है जो बखेड़ा जीवन में आ जाए। इसलिए कहते वैष्णव चरण में अपराध बड़े खतरा चीज, इसलिए कहते साधु सावधान होकर रहनी चाहिए, हमारे किसी भक्तों के चरण में हमारे अपराध नहीं हो जाए, फिर तो माया दंड देने की उसको संसार भूल जा, संसार में जा करके वहाँ पर डंडा खा माया की डंडे को खा। इसलिए और उनने जो दया किया इसको पर मछली को पर दया की और सब भर, लेकिन गरुड़ को पर नहीं, बोले अगर तू दोबारा आओगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर तुम मर जाओगे, फिर क्या हुआ, कालिया जब आया आकर जितने मछली था ना सब खत्म, सब खत्म हो गया। इसलिए कहते जो जागृति की दया, हमें जागृति की दया नहीं देखनी चाहिए, हमें परमार्थ की भक्ति चीज को हमें देखनी चाहिए, जगत का दया को देखनी नहीं चाहिए, जगत का दया देखोगे तो बस एक दिन तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए अभी क्या हुआ, कृष्ण ने देखा अगर ये कार्य यहाँ पर रह गया ना फिर क्या होगा, फिर तो मेरी लीला नहीं हो सकती है, इसलिए इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, बस पेड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ने तो उन्होंने छलांग लगाई,
छलांग लग गया तो पानी कितना दूर तक फैल गया, बोले 100 धनुष, एक धनुष चार हाथ है, बोले 400 हाथ ऊपर में पानी छलक करके ऊपर में गया, और काली जो गुफा में था ना वो गुफा में भी पानी प्रवेश कर गया। इतने में अब कृष्ण क्या कर रहे थे, पानी में क्रीड़ा कर रहे थे और पानी को विलोटन कर रहे थे, और ऐसे पानी को उन्होंने एकदम उथल पुथल कर दिया, पानी को ऐसे कर रहे थे। इतने में काले को नींद खुला है, काले का नींद खुला, बोले किसका इतना हिम्मत, उसको ऊपर कोई चिड़िया भी नहीं जा सकते, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, पानी उबलता था ऐसे चहलता चढ़ता, पानी उबला करता उबलता था, लेकिन इसमें कौन ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं। काले जो उठा देखा क्या सुंदर एक बालक, गले में वैजयंती माला, श्याम रंग का बड़े सुंदर श्याम सरना सा एक सुंदर बालक है, है? एक सुंदर बालक है। इतने में उसको पत्नी ने समझा कर देखो कि जो कृष्ण है ना ये भगवान है, कृष्ण भगवान इनको साथ में बैठ नहीं जानना है, लेकिन हाँ भैया पीछे पीछे दौड़ता ही भगवान हो गया, लेकिन वो नहीं मानता था क्योंकि बड़ा अहंकार था, बड़ा अभिमान था। इतने में कालिया ने धीरे 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 कालिया निकला, आकर कालिया कृष्ण को पकड़ लिया। जब कृष्ण कालिया पकड़ लिया, कृष्ण ने क्या किया, एकदम रिचेस्ट जैसे जिसको पकड़ लिया ना कोई शरीर में जैसे ताकत नहीं, एकदम चेष्टा भी होकर वैसे वैसे पकड़ लिया, बोले ऐसे क्यों। तो यहाँ पर दो कारण बताया, पहला कारण बताया कृष्ण तो भगवान है, वो तो केवल चुटकी बजाते ही विष्णु ब्रह्मांड को सृष्टि सिद्धि प्रलय कर सकते हैं, उसको सामने कालिय कुछ भी नहीं, लेकिन केवल कालिय को उत्साह बढ़ाने के लिए वो चाहे कृष्ण कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल उसके उत्साह बढ़ाने के लिए कृष्ण ने क्या क्या जान बूझ करके कृष्ण ने वहाँ पर उन्हें दिखा लिया। दूसरा कारण बताए बोले पहला चांस है तेरा, दूसरा चांस है मेरा, क्योंकि पहले तुम बोलोगे अगर पहले में तुमको मार डाले, तुम बोलोगे भैया मैंने कुछ ने चांस ही नहीं दिया, चांस देता था हम दिखा दे, इसलिए पहला चांस तेरा और दूसरा चांस मेरा, इसलिए तू जो कुछ करना तो कर ले, जी भर करके तो कर ले जो कुछ करना। इसलिए कालिया ने इसको जो पकड़ लिया, जब कालिया ने पकड़ लिया इतने में क्या हुआ, इतने में कहते हैं बोले क्या वो ब्रिसा बद सतर्जा क्रंदमाना सुदीक्षिता कृष्ण न्यस्त खणा पीता रुदंता एव अस्ति। कहते इतने में जितने गैया थे ब्रिस थे बत्स थे क्रंदमाना सबके सब रोना शुरू कर दिया है। कहते हैं कृष्ण की अवस्था को देखकर काली ने पकड़ लिया, सबके सब दुखी होकर रोने लग गए, जो रोने लग गए उधर क्या हुआ, जो ब्रज में है ना जितने सारे अपशगुन देखने को मिले, वहाँ पर क्या क्या अपशगुन देखने को मिले, भूकंप हो रहा था उल्कापात हो रहा था है, और वहाँ पर सबके सब सब इतने पुरुषों का बाम अंग फड़क रहा था, माताओं का डाहना अंग फड़क रही थी, सारे अपशगुन था ब्रज में सब देखने को मिले। तो यहाँ पर टीकाकार प्रश्न करते हैं क्या भगवान के अमंगल हो गया, सब अमंगल का चिन्ह है, इसे अमंगल का चिन्ह है, अमंगल होने पर इसे अमंगल दिखाई पड़ता है, क्या भगवान जो अमंगल भगवान का हो गया। तब भगवान विश्व ब्रह्मांड का मालिक जब उनका अमंगल नहीं हुआ फिर ब्रज में ये सब सारी उत्पात फिर क्यों होना शुरू हो, कारण क्या है, बोले कारण है बोले कृष्ण का कोई अमंगल नहीं तो दुनिया का मालिक उनको क्या होगा, लेकिन जो अमंगल है किसकी अमंगल है, कहते ये जो बत्सव जो कृष्ण के सखा लोग जो देख लिया कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है, इसलिए इनके दुख इनका दुख से ही क्या हुआ ब्रज में जितने अमंगल दिखाई पड़ना है अमंगल दिखाई पड़ा है, इसलिए वास्तव रूप में भगवान का कोई अमंगल नहीं। कहते सही सही अधिष्ठात्री देवता गण कृष्ण ने प्रीति वसत, जो देवता लोग थे कृष्ण का इनका प्रति प्रीति था, इसलिए देवताओं ने क्या किया ब्रज में तरह तरह का वहाँ पर अमंगल उन्होंने सृष्टि कर दिया, सृष्टि करने पर वहाँ पर, लेकिन उसी दिन क्या था, कहते हैं उसी दिन
अर्थात बलदेव प्रभु का जन्म उपलक्ष्य में बलदेव प्रभु वहां पर नहीं गए हुए थे, अब सबके सब गए हुए थे। इतने में सारे ब्रज में अमंगल होने पर जितने ब्रजवासी कृष्ण का तो कोई अनिष्ट नहीं हो गया कि बलदेव प्रभु गए नहीं, जितने सारे ब्रजवासी क्या गए सब घर से निकले। अरे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, हैं सबके सब ब्रजवासी घर से निकले। घर से निकल करके वहां पर जा कर के जब गए, बोले गए कैसे वहां तक, वहां पर पहुंच कैसे, इसलिए पहुंचे जब कृष्ण चलते थे उनके चरण में सुंदर सुंदर ध्वज वज्र अंकुश पताका ये सब चिन्ह हो जाता था। कृष्ण जब चलते समय चिन्ह दिखाई पड़ता था उन ब्रजवासियों के चरण चिन्ह देखते 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 यहाँ पर पहुंचे, कालिया राज्य में पहुंचे। कहते हैं ये यहाँ पर उदाहरण देता है, जैसे जो भी लोग भगवत प्राप्त कैसे करते हैं, भगवान चरण को दर्शन करते हुए भगवान चरण को अनुसरण करते हैं, भगवान के चरण को अनुसरण करते हैं। उसी तरह ब्रजवासियों ने कृष्ण चरण चिन्ह दर्शन करते करते काली अंधे पहुंचे और वहां पर जब देखा वहां पर तो काली को कृष्ण पकड़ लिया, बोले ऐसे कैसे हो गया, कृष्ण खुद वहां पर गए ना, काली आंख की जो जबरदस्ती पकड़ कर कृष्ण को अंदर में ले गया, कैसे ऐसे हो गया है। सब लोग तर्क वितर्क करने लगे, जब तर्क वितर्क करने लगे इतने में सारे ब्रजवासी और जितने बछड़े सखा लोग कृष्ण विरह में सब कैसे मैया जशोदा तो वहीं पर बेहोश हो गए बिल्कुल, और जितने ब्रजवासी कृष्ण विरह में सब के सब प्राण त्याग करने के लिए जा रहे थे, बोले कृष्ण विहीन हम ये देह को धारण करना नहीं चाहते, अपना प्राण भी त्याग दे। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो और द्वारका प्रेम देखो, बल्कि यार जिस समय है स्यमंतक मणि को कथा जाती है, भालू ने ये स्यमंतक मणि जाम्बवत ने सिंहों को मार दिया, सिंह ने प्रोसेन को मार दिया और वहां से स्यमंतक मणि ले लिया, लेकर के जब सिंह उसको देखा, किसने जाम्बवत ने देखा और उसको मार करके स्यमंतक मणि उसने लेकर के गुफा में चला गया। कृष्ण जब यहाँ पर से बदनाम होने लग गया, स्यमंतक मणि किसने लिया, स्यमंतक मणि किसने लिया, पहले कृष्ण मांग लिया, मांग रहा था हैं, किसको मांग रहा था, सत्राजित को मांग रहा था, फिर सूर्य ने वो स्यमंतक मणि दिया था। स्यमंतक मणि रोज अष्टभाग सुवर्ण जन्म देता है, अष्टभाग कितने हजार किलो अपने आप सुवर्ण निकलता था। कृष्ण ने मांगा था लेकिन बोले मैं क्यों दू, सूर्य देवता मेरे को दिया, मित्र है तो तेरे को क्यों दू, तेरे को क्यों दू, दिया नहीं। लेकिन बाद में ऐसे हो गया, लोग अंदर में आपस में जैसे माताएं जाती है ना स्नान करने के लिए तालाब में, जब जाती है माताओं को पेट में कुछ भी नहीं रहती, कोई भी गोपनीय वस्तु आप माताओं को, इसलिए कहते कोई गोपनीय वस्तु माताओं को बोलनी नहीं चाहिए, वो जरूर किसी ना किसी को बोल ही देंगे, क्योंकि इसको जब तक नहीं बोलेंगे ना उनको पेट में रोटी हजम नहीं होगी। श्राप है जी, श्राप है। हाँ ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने किसको श्राप दिया था, कुंती, तो कुंती ने छुपा दिया था ये जो कर्ण उनका जो बेटा था ना उसने ये बात नहीं बताया, लेकिन जब अर्जुन ने मार दिया तब उन्होंने बताया ये मेरे बेटा, तब श्री युधिष्ठिर महाराज अभिशाप दिया माताओं को, कोई भी पेट का बात मैंने बचे नहीं सारी उड़ उड़े। अगर किसी ने बोल दी ये बात बोलना नहीं ना, पहला तो वही बोल ली, ये बात वो बिस्तर से किसको बोलना है, अन्य तो पेट में रोटी हजम नहीं होगी है, इसलिए जब माताएं वहां स्नान कर रही थी ना बस ये बात बात में वहां पर कृष्ण का पत्नियां भी गई थी वहां पर महिषी वहां पर बात हो रही थी और वहीं पर सारी बात होती है, जब स्नान के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं बस किसने बोल दिया कि कृष्ण को ऊपर में बात पहुंचा रहे हैं, हो ना हो ये समझ तो भाई कृष्ण ने तो ये षड्यंत्र करके मरवा करके नहीं ले गया, इसलिए कृष्ण अपना अपवाद को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढूंढते ढूंढते गए और क्या देखा मान गुफा में है ये जाम्बवान गया, जब जाम्बवान गया अंदर में कृष्ण वहां पर तो देखा वहां पर एक बच्चे को हाथ में कलते हुए देखा, कृष्ण झपटने के लिए गए, बच्चा ने रोया तो जाम्बवान आया और लड़ाई हुई, जब लड़ाई हुई
मतलब वहां पर तो जो द्वारकावासी लोग गए थे कृष्ण के साथ में, लेकिन गुफा के पास में तो खड़े भी कुछ दिन तक, लेकिन जब देखा कृष्ण नहीं आए ना, कृष्ण मर गए, इसलिए वहां से वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम दिखाते हैं, जब कालिया ने ब्रजवासियों कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण विरह में ब्रजवासी प्राण क्या करना चाहते, इस प्राण को धारण नहीं कर उनका प्रेम ऐसे। वहां पर बलदेव प्रभु वहां पर थे, बलदेव प्रभु को सबको संभाल रहे थे, क्योंकि बलदेव प्रभु कृष्ण का पराक्रम जानते थे, ब्रजवासी तो पानी को लगाने जा रहे थे, बोले चिंता मत करो कृष्ण अभी अभी आएगा, चिंता मत करो, जब कृष्ण आएगा अगर तुम प्राण त्याग कर दोगे कृष्ण को प्रेम कर कौन करेगा, उनको प्यार कौन देगा, इसलिए तुम लोग रुक जाओ, तुम इस तरह से रोक रहे थे। इतने में बलदेव प्रभु को काली कृष्ण को देख करके ना काली लीला हंस रहे थे, मीठे मीठे हंस रहे थे, इसलिए बलदेव सब तो रो रहे हैं, बलदेव प्रभु हंस रहे, सब तो रो रहे हैं ना, बलदेव प्रभु हंस रहे हैं, क्यों, कारण है बलदेव प्रभु को कृष्ण का ऐश्वर्य उनको पता था, है इनको पता था। तब प्रश्न होता है क्या मेरे ब्रजवासियों को कृष्ण का ऐश्वर्य पता नहीं, ये तो नित्य सिद्ध पैकर है भगवान, तो इनको क्या कृष्ण का ऐश्वर्य इनको क्या पता नहीं, बोले पता है सब कुछ, लेकिन वो माधुर्य को तरह ऐश्वर्य ढका हुआ है, लेकिन ये नित्य सिद्ध पैकर सब जानते हैं अगर ऐश्वर्य प्रकाश होगा ना अरे माधुर्य प्रकाश नहीं होगा, इसलिए वो ऐश्वर्य माधुर्य का तरह ऐश्वर्य ढका हुआ। बलदेव प्रभु कृष्ण को इशारा कर रहे थे, बोले कृष्ण ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी निकल कर आ जा, देख तेरे बड़े विरह में ये ब्रजवासी रो रहे हैं प्राण त्याग दे देंगे, जल्दी निकल कर आ जा हैं। फिर बलदेव प्रभु दूसरा कारण क्यों हंस रहे थे, बोले इसलिए हंस रहे थे, बोले ये क्या सड़े गले, अरे ये मरा हुआ सांप के सामने कुछ साथ में खेल रहे हो, तो खेलते रहते नीचे स्टॉक पड़े हुए थे हैं, इसलिए इसको साथ में खेल रहे हो, अरे खेलना तो मेरे साथ में खेले ना है, मेरे जो स्वरूप होता, मेरे स्वरूप कौन है, कहते श्री अनंत देव, अनंत देव सर्प है ना, जो विश्व ब्रह्मांड को सर्व ऊपर में एक सलीसो जैसे उन्होंने धारण करके रखा, इसलिए अगर तुमको खेलना है मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री अनंत देव है, वो अनंत देव जो सर्प हो उसको साथ में खेला कर, एक मरा मरा सड़ा एक सांप को साथ तुम खेल रहे, इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण को देख देख हंस रहे थे, और कृष्ण को क्या बोल रहे थे, जल्दी जल्दी तो निकल कर आ जा, नहीं तो तेरी पीड़ा में कि सब के सब प्राण त्याग दे देंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कृष्ण क्या क्या लीला, आज शाम को सुनेंगे, जो आज शाम को छठी है, आज क्या है छठी, आज शाम को सब भक्तों को बोल देना आज छठी है, आज आज भंडारा भी है, प्रसाद भी है, शाम को कढ़ी चावल और एक छठी में जो देते हैं वो छवानी 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 तो अम्मा बना के रखा गई जाली अजी अम्मा बना के लाया वो टॉप की उमा अम्मा आप एक दिन टोल भर के लाई थी, इसलिए यहाँ पर यहाँ भी बनेगा, यहाँ हमारे सर व्हाट्सएप में तुम दे देना, ठीक व्हाट्सएप में भेज दो, ठीक आज शाम को भंडारा है, आज छठी है, इसलिए सबके सब बोल देना, ठीक है, प्रसाद लिख दूँ ना, प्रसाद लिख दूँ, प्रसाद लिख दूँ, हाँ प्रसाद है, हाँ महाप्रसाद जय।